सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हियर आई एम रंजना राय। सो गाइस, राय के ब्लॉग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ बोरीवली। तो चलो आज बोरीवली का मार्केट विजिट कर। गाइस, मैं आ चुकी हूँ बोरीवली मार्केट। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी मैं जाने वाली हूँ बोरीवली मार्केट विजिट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। और गाइस, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, तो चलो स्टार्ट करते ब्लॉग। तो मैं अभी यहाँ पर आई हूँ और मैं पहले तो मैं छाछ पीऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, इतना धूप है ना, क्या बोलूँ मैं। तो चलो पहले छाछ पीती हूँ मैं। हाँ, ये कर लो पहले। गाइस, आप लोग जो मेरे पीछे इयररिंग्स देख रहे हैं, ये आप लोग को 100 का 3 अंकल दे देंगे। तो ये कोई भी इयररिंग 100 का 3 है, बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रेंडिंग इयररिंग्स हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये सब 100 का 3 इयररिंग्स है। तो आप लोग आइए, जस्ट ये टाइटन वॉल्ट करके जस्ट इसके सामने ही है इयररिंग्स वाले अंकल। और ये सब कोई भी 100 का है, कोई भी 100 का है। हाँ, यहाँ से उधर 50 के हैं। और ये सब 100 के नीचे, कोई भी 100 का। और नीचे वाला ये भी सब 100 का है। कितने का है वाला? 30 रुपीज़ 20। सब इयरिंग्स? हाँ, कितने का है इयरिंग्स? कोई भी 50 का है। ये वाला कितने का है? 50, 100 रुपये का, और बाकी सब 50। ये सिर्फ 100 रुपये का है? 100 रुपये। अच्छा, काफ़ी अच्छी अच्छी इयरिंग है यार 50 रुपीज़ में। तो जस्ट जैसे टाइटन के सामने अंकल का शॉप है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इयरिंग्स है। ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है, वन पीस है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग इयरिंग्स है। तो बस रिंग्स भी है। कितने का है सब बैंगल्स? 20? 100 का। ओके, ये 10 रुपया का है वन पीस। So
ये कितने का है? 700। क्या बात कर रहे हो? स्टैंडर्ड क्वालिटी। हाँ यार, अच्छा लग रहा है। आपको सिर्फ फोरन में मिलेगा, ना कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पकड़ के गिर गया। कॉटन का है ना? कॉटन का है। किस चीज का है ये कपड़ा? बड़ों का। क्या बोले? अरे कपड़ा कौन सा मटेरियल? गर्मी के लिए ना, इस तरह का कपड़ा नहीं भाई। ये क्या है? 700 रुपए मीटर खाली कपड़ा आता है भाई। ये ओपन करके दिखाएंगे? हाँ बताएंगे। अच्छा ले लो। पार्टी वेयर के लिए बोल। जस्ट टाइटन के टाइटन वर्ल्ड के सामने इनका शॉप है, तो ये अच्छे अच्छे कलेक्शन रखे कॉटन वगैरह का, बहुत अच्छे अच्छे। तो आप लोग आइए और देखिए। ब्लाउज का पीस दिखाइए ना अंकल, इस कलर में दिखाएगा, पिंक में। इसमें सब सामने ही है, क्या इसमें का दिखाओ ना, प्लेन में। साड़ी है मैचिंग? हाँ साड़ी मैचिंग है। हाँ नहीं नहीं, कपड़ा ये चाहिए। कौन सा? प्लेन नहीं रहता, मैं सब इसमें ही आएगा। कितने का आ जाएगा ये? 80 रुपए। और ये वाला? सबसे अच्छा कौन सा हो बताओ मुझे, वो लेना, भसकना नहीं चाहिए। ये कितने का? ये बताइए। 70 रुपए। पैसा हो गया है तो मैं अंकल के यहाँ से ब्लाउज का पीस लिया मैंने मम्मी के लिए, 70 रुपये का है, 80 सेंटीमीटर है। पैक कर दीजिए। चलो कुछ खाते पीते हैं। तो मैं अभी आई हूँ 1 मिनट चाय नाश्ता में, तो अभी चलो कुछ खाते हैं। यम्मी लग रहा है यार, चाय गर्मा गर्म चाय हो जाए। टॉप कितने का भैया? टॉप्स वगैरह कोई भी 350 है। इतना महंगा? और ऊपर का टी शर्ट कितने का है? 250। 200 नहीं लगाएंगे? अच्छा तो लग रहा है वैसे। और ये सब फ्लोरल वाला, ये वाला जो है 550 का। ये वाला कोई भी 350 है। ये वाला दुपट्टा नहीं आएगा? भैया 700 का सेट दे रहे हैं, खड़े हैं। 700 रुपये का है। आपको इसमें ऊपर का भी आ जाएगा और नीचे का पैंट भी आ जाएगा। इसमें नहीं आएगा पैंट? इसमें पैंट नहीं। ये कितने का? 650। और ये वाला कितने का बोले थे? वाला एल साइज है। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा उतना। कितने का ये? 150। पैंट भी आ गया? सिर्फ टी शर्ट? 150 का टी शर्ट है।
40 का है, छोटे वाले 40, बड़े वाले 80 का। अच्छा ये 40 और ये 80 का है, ये 80 का है। और ये कमरबंद, ये वाला क्या, ये वाला 40, 40 का है। इसमें पूरा सेट मिलेगा, कितने का मिलेगा वाला? ये 30 रुपीस में है, तो 30 रुपीस में क्या क्या मिलता है आपको दिखाती हूँ। तो ये गले का है और आपको बैंगल्स मिल जाएगा और इयर रिंग्स। तो सिर्फ 30 रुपया में तीन सारे सामान मिलते हैं, 10-10 रुपया का एक है, समझ रहे हो? सिर्फ 10-10। मस्त ना, किसी को गिफ्ट देने के लिए आप ऊपर खरीद के लाते कि बनाते? तो भाई भैया बैठे ये खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाते हो, तो इसलिए बहुत ही सस्ते रेंज में दे रहे हो, और बहुत ही अच्छे अच्छे यार, बहुत ही चादर कितने का है? सिंगल 550 का एक, जोड़ी 550 का जोड़ी है सिंगल। दिखाइए मुझे, दिखाइए पहले तो, पसंद भी आना चाहिए। प्योर कॉटन है, 100% कॉटन। एक 200 का, कलर नहीं जाएगा ना? सिंगल बेड के लिए है, अच्छा लग रहा है गाइस? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अकड़ पकड़ कर 80-90 पूरे 100 पे आया दे आपका। चला भाई माल हटाओ, गाड़ी को लपड़ा है। गाइस मैंने ये वाला ले लिया चादर 200। सो गाइस गाड़ी आई है म्युनिसिपैलिटी की, तो लोग फटाफट अपना सामान हटा रहे हैं। यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है इन लोग का, कि जैसे म्युनिसिपैलिटी वाली गाड़ी आती है, देख रहे हो आप लोग दूर से, मुझे बहुत बुरा लगता है यार, ये लोग इन लोग का सामान उठा कर लेके चले जाती है। तो देख रहे हो आप लोग फटाफट अंकल कैसे पैक कर रहे हैं, ये वाले भी अंकल आकर हटा दिए, सब लोग अपना अपना हटा रहे। ये डोरमैट है, अभी बैड लक यार, गलत टाइम पे तुम गाड़ी वाला आ गया, अभी एमसी गाड़ी, सॉरी बीएमसी गाड़ी वाला आ गया, अभी सब अपना फटाफट सब सामान हटा रहे। बैड लक कि मैं आगे का वीडियो नहीं प्रोसेस कर पाऊंगी, मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो चलो आंटी, क्या ये लहंगा है? लहंगा है, खोल के दिखा सकती है? इतना है पेटी कोट? हाँ। कितने का ये? 1500 पड़ेगा, बहुत महंगा बोल रहे हो क्या? देंगे बहुत ज़्यादा, कितना लगाएंगे लास्ट आप? होने का टाइम है, इसके साथ दुपट्टा नहीं आएगा? दुपट्टा नहीं है, अरे दुपट्टा तो चाहिए, दुपट्टा इधर नेट का मिल जाएगा अंदर, फिर अलग से खरीदना पड़ेगा। ब्लाउज अच्छा है, लंबा ले लीजिए, क्या बोल रहे हो? थैंक यू। हाथ है ना अंदर, आपको लगाना पड़ेगा। और स्लीव्स वाला नहीं है क्या? स्लीव्स सबसे अंदर है। ब्लाउज कितने का है? लगा हुआ वाला है, वही सब लेना है। हां मैम, ब्लाउज कितने का है? मुझे प्लेन ही दिखाओ। 350 साइड में, 350 का ब्लाउज है। तो ऐसा आएगा, लास्ट कितना लगाएंगे? 300 लास्ट, 300 लास्ट लगा देंगे। ठीक है, क्या नाम है दीदी जी का? मोबाइल में तो बताओ। ये लो मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर दे, मेरा देखना, बहुत जल्द आने वाला वीडियो। ओके, कीप सपोर्टिंग।
तो मैंने यहाँ से बोरीवली मार्केट से इतने सारे शॉपिंग कर लिया, जो कि मैं सिर्फ विजिट करने के लिए आई थी। मुझे मालूम था अगर मैं बोरीवली आई हुई या फिर कोई भी मार्केट जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेती हूँ। और अभी तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिले, बहुत ही सस्ते सामान थे। मैंने तो अभी एक ही गली विज़िट किया मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, और प्लस यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी वाले गाड़ी भी आ गया, म्यूनसिपाल्टी का गाड़ी भी आ गया, तो मुझे उतना दुख हुआ कि मैं ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाई, सिर्फ एक गली को ही मैंने विज़िट किया, तो ये दुख रहेगा। आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड में ज़्यादा गर्दी होगा, लेकिन अगर मैं वीकडे में आई हूँ तो उतना गर्दी नहीं देखने को मिला मुझे, और उतना मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना बड़ा मार्केट तो नहीं मिला, लेकिन जैसा भी हो बहुत ही अच्छा था, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, वीडियो में कमेंट करना। और मैंने सुना यहाँ पर ब्राइडल लहंगे बहुत फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।